हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीना नीटिंग पैटर्न्स। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको इस तरह का पैटर्न बना के बताऊंगी। तो इससे थोड़ा मैंने ये लगभग सेम सेम पैटर्न पहले भी आपके साथ शेयर किया था, लेकिन उसमें जाली इस तरह ऊपर जा रही थी, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट। देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ही हमारा ये जाली पैटर्न है और इस तरह से ही हमारी ये, देखो इस तरह से लग गई बाहर को कि ऊपर को जा रही है, लेकिन ये जब हम बैक साइड इसको देखेंगे तो ये हमारी बुंद इस तरह से, ठीक है, ऐसे जिस तरह से जाली है उसी तरह से हमारी ये बुंद पड़ी है, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये सिंपल, सबसे पहले तो हमने जैसे नौ नौ का ट्रांसफर कर लिया, यानी कि नौ कुंडे हमारे यहाँ है, एक पीछे नौ कुंडे इस तरह से एक पीछे, ठीक है, ये हमने ट्रांसफर कर लिया सेंटर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो अब हम पहले जैसे उस बुंद में हमने ये वाले दो कुंडे साइड से पहले निकाले थे, ठीक है, ये वाले फर्स्ट में, ये फर्स्ट में निकाले थे, ठीक है। लेकिन इस बुंद में, इस पैटर्न में, ठीक है, हम दो कुंडे छोड़ के, ये वाले दो कुंडे छोड़ के इसके साथ वाले दो कुंडे पहले निकालेंगे, ये देखो इस तरह से, और इसके साथ वाले ये दो कुंडे बाद में निकाल के यहाँ फर्स्ट वाले की जगह में, मतलब जो हमने पहले निकाले थे वहाँ डाल देंगे, और ये वाले कुंडे हम यहाँ बाहर वाले नीडल में डाल देंगे, ठीक, ये काम है। देखो ये दो कुंडे छोड़ के, है ना, ये दो कुंडे छोड़ के इसके साथ वाले, यानी कि जो सेंटर का कुंडा है उसके साथ के दो नीडल हमने पहले निकालने हैं इस तरह से, और ये वाली यहाँ डालनी है, ठीक, और ये वाली यहाँ डालनी है, ठीक। इसी तरह से आपने यहाँ भी ट्रांसफर करना है, दो नीडल छोड़ के ये वाली दो नीडल निकालनी है, ठीक, इस तरह से, और ये वाली दो यहाँ डालनी है, ठीक, और ये वाली यहाँ डालनी है, ठीक है। ये वाली दो छोड़ के, ये वाली दो छोड़ के हमने पहले सेंटर की एक नीडल के साथ वाले दो कुंडे पहले निकालने, ये ध्यान रखो, ठीक है, इस तरह से, और इसके साथ के जो दो कुंडे, मतलब जो फर्स्ट में हमारे दो कुंडे, वो यहाँ से निकाल के हमने यहाँ डालने, ठीक, ये देखो इस तरह से, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ भी ट्रांसफर करेंगे, ये देखो ये दो कुंडे निकाल के बाहर वाले यहाँ डालने हैं और यहाँ वाले यहाँ डालने हैं, ठीक, ये देखो दो कुंडे निकाल के हम इसको इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने जाली भी साथ साथ डाली है, तो हम जाली के लिए जैसे हमारी ये जाली इस तरह से बन के आई है, तो फिर ये देखो इस तरह से, मतलब तो हम क्या करेंगे, ये साइड का कुंडा छोड़ के उसके साथ कहीं नीडल का कुंडा यहाँ डाल देंगे, ठीक, ये देखो बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ, नहीं तो आपको पता क्या है, इस तरह से निकालोगे, देखो ये वाला कुंडा जिसे हमने खाली करना है, तो फिर इस तरह से, ठीक है, नहीं तो अगर आप दूसरे तरीके से भी ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे कि ये वाला कुंडा यहाँ डाल के फिर यहाँ से यहाँ लाओ, ठीक है। तो फिलहाल मैं जैसे सिंपल सिंपल आइडियाज दे रही हूँ, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बता रही हूँ, तो इस तरह से हम इसको सिंपल तरीके से ऐसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, इसी तरह से, कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। और दो नीडल जो खाली हुई है उसको साथ में आगे कर लेंगे और दो बार कैस को चलाएंगे, एक दो, ठीक है। अब जैसे बुंद के लिए तो हमने छह सिलाई डली है, ये ट्रांसफर हुआ है, लेकिन जाली होती है, जाली हमारी दो सिलाइयों में डलनी ही होती है, ठीक है, सिर्फ दो सिलाई बाद जाली कंपल्सरी है, फिर तभी जाली आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। तो इसके साथ देखो, पहले ये हमने एक कुंडा छोड़ के एक वाला खाली किया था, अब हम दो कुंडे छोड़ के तीसरा कुंडा नीडल से निकाल के यहाँ इसके साथ डालेंगे, इसी तरह यहाँ से भी तीसरा नीडल खाली करके यहाँ डालेंगे, ठीक है, इसको इस तरह से आगे कर देंगे, यहाँ भी ऐसे ही ट्रांसफर, मतलब नीडल ट्रांसफर करके यहाँ डालेंगे कुंडा, और एक एक नीडल हमारी जो खाली हुई है उसको साथ में आगे कर देंगे, और दो सिलाई लगा देंगे, एक दो, ठीक। अब तीसरी बार हमने फिर से, ये देखो सेंटर की नीडल के साथ साथ के नीडल को हमने खाली करना है, और सेंटर में ही ये देखो लेफ्ट एंड राइट साइड के कुंडे डाल देने, यानी कि इस नीडल में हमारे तीन कुंडे हो गए, ठीक, ये देखो इस तरह से, साथ में जो खाली हुई नीडल उसको आगे कर लो और दो बार कैच को चला दो, ठीक है। इसी तरह से आपने रिपीट करना है, तो एक बार मैं फिर से बुंद डाल के फिर आपको बैक साइड दिखाती हूँ किस तरह से बन के आई है, ठीक है, ये देखो दो कुंडे छोड़ के
ये कुंडे निकाल के ये देखो इस साइड जाने डालने हैं और ये वाले भी इसी तरह से ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, ये देखो पहले हमने दो कुंडे साइड के छोड़ के उसके साथ वाले दो कुंडे निकालने हैं इस तरह से। ठीक, हमारा ट्रांसफर हो गया। अब हम जाली डालेंगे। ये देखो जाली हमने एक कुंडा छोड़ के उसके साथ की नीड़ को खाली करना है इस साइड। ठीक है, अंदरली साइड इस तरह से। ठीक, ऐसे। ठीक है, साथ में हमने नीडल आगे कर ली। अब हम दो बार केस को फुलाएंगे। ठीक, अब इसके साथ देखो ये दो नीडल छोड़ के यानी कि जहाँ हमने जाली डाली है उसके साथ वाली नीडल को हमने खाली करना है यानी कि लेफ्ट साइड की, लेफ्ट साइड वाली नीडल को। ठीक, ये देखो इस साइड लेफ्ट साइड और इस साइड राइट साइड। ये देखो इस साइड जो हमारा ये हम पर गैप है ना, जैसे ये दो दो नीडल छोड़ के तीसरी को हमने खाली करना है राइट साइड वाली नीडल में डालना है इस तरह से। ठीक, अब दो इसको आगे कर लो और दो बार कैच को चला लो, एक दो। ठीक है, अब ये देखो तीन कुंडे तीन नीडल छोड़ के चौथी नीडल को खाली करना है और सेंटर वाली नीडल में डालना है लेफ्ट एंड राइट साइड की इस तरह से। ठीक है, देखो दो नीडल आगे कर ली, मतलब जो खाली हुई उसको आगे कर लिया और दो बार कैच को चला, एक दो। ठीक है, तो एक बार फिर से डाल देते हैं चाहे कुंद या फिर चलो डाल देते हैं, देखो इस तरह से। ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान सिंपल पैटर्न है ये, देखो दो बार कैच को चलाएंगे और फिर से हम इस तरह से जाली डालेंगे। ठीक, एक बार लास्ट में ये देखो सेंटर की नीडल में लेफ्ट हैंड राइट साइड के कुंडे खाली करने, दो बार इसको चलाना है। ठीक है, तो मैं अब इसको नीडल को आगे कर लेती हूँ और थोड़ा सा प्लेन बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ हमारा पैटर्न कैसे बन के आया है। ये देखो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन गया है, ये देखो। ठीक, इस तरह से। ठीक है, तो निकालने के बाद दिखाती हूँ आपको। ये देखो इस तरह से। ठीक है, ये हमारा पैटर्न बन के आया है, ये देखो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, और नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।